بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. یہ سورہ غافر کی سورہ مؤمن کی 4 کی آیت کریمہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں کافر لوگ ہی جھگڑا کرتے ہیں, سو ان کافروں کا ایک شہر سے دوسرے شہر پھرنا تم کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ ان کافروں کو کوئی سزا ہی نہیں ہوگی. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. إن سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور ان کے بعد کتنے گروہ و فرقوں اور جماعتوں نے قوم کے لوگوں نے سچے دین کو جھٹلایا, اور ہر امت نے اپنے نبی کے بارے میں یہ ارادہ کیا کہ وہ اس نبی کو پکڑ لیوے اور قتل کر دیوے اور باطل کا سہارا لے کر کے جھگڑے کیے تاکہ اس کے ذریعے سچے دین کو مٹا دیوے, سچے دین کو ڈگمگا دیوے. سو میں نے ان کافروں کو پکڑ لیا, پھر دیکھو کہ میری سزا کیسی رہی. یہ ہو گئی سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5. ان دونوں آیتوں کے اندر باری تعالیٰ کا جو ارشاد ہے اس کا خلاصہ ہمیں سمجھنا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے صحیح سچی باتیں انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمائی ہے. قرآن میں اللہ کی باتیں ہیں, قرآن کے اندر ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ کمزور ہوئے, قرآن میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ اس میں اشکال اور اعتراض ہو سکے, قرآن میں ایک بات بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کے اندر جھگڑا کیا جائے. لیکن بعض لوگوں نے یہ طے کر لیا ہے, نکی کر لیا ہے
कि कुरान में जो खुली खुली बातें आई है उसका भी इनकार कर देवे, कुरान में जो सही बातें आई है उसको न माने और कुरान की सच्ची बातों के अंदर झगड़ा खड़ा करे। ऐसे लोग बड़े ख़तरनाक लोग हैं। हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन जिदालन फिल कुरआनी कुफरुन, यानी कुरान के अंदर जो लोग झगड़े खड़े करते हैं तो ये झगड़ा इंसान को कुफ्र तक ले जाने का जरिया है और इंसान कुफ्र में उसकी वजह से नऊज़ुबिल्ला पड़ जाता है। हदीस में आता है कि एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों की आवाज़ सुनी। जाहिर है कि ऊंची आवाज़ से वो लोग बात कर रहे होंगे, इसलिए हुजूर ने उनकी आवाज़ सुनी। वो कुरान की एक आयत के मुतालिक झगड़ रहे थे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से हुए, नाराज हुए, मकान के बाहर तशरीफ लाए। आपके नूरानी चेहरे के ऊपर गुस्से की निशानियां थी, आपके नूरानी चेहरे के ऊपर गुस्सा नजर आ रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहली उम्मतें इसी से हलाक हो गई कि उन्होंने अल्लाह ताला की किताब, अल्लाह की बातों में झगड़ा शुरू किया, अल्लाह ताला ने उन लोगों को हलाक कर दिया। अब अल्लाह की आयतों में, कुरान की आयतों में झगड़ा करना किसको कहते हैं? नंबर एक, कुरान की आयतों में ताना करना, टोन मारना कुरान की आयतों में। उसका एक एग्जांपल मैं आपको दूं, मिसाल में दूं। कुरान में अल्लाह ताला ने इंटरेस्ट, सूद, ब्याज को हराम किया है। अब कोई आदमी टोन मारे, ले ब्याज किया है। जैसे एक आदमी बिजनेस करता है और नफा कमाता है, इस तरह भी आज में भी पैसों का बिजनेस करो और नफा कमाओ। फिर कुरान में अल्लाह ने क्यों हराम किया? ये टोन करना हुआ। हालांकि बिजनेस पूरी अलग चीज है और सूदी लेन देन, व्याजू लेवड़ देवड़, इंटरेस्ट बिल्कुल अलग चीज है। तो जो आदमी कुरान की आयतों में, कुरान के मसाइल में, कुरान के अहकाम में, कुरान के कानून में टोन मारता है तो ये चीज इंसान के ईमान को बर्बाद कर देती है। नंबर दो, कुरान मजीद की बातों में, कुरान की आयतों में शक, शीबा निकाले। अच्छा, कुरान में ऐसा आया कि पिछले जमाने में कुछ नौजवान 309 साल तक सो गए थे, अल्लाह ने इनको सुला दिया था 309 साल तक। ये असहाबे काफ का किस्सा कुरान में मौजूद है। तो कोई आदमी कहे कि ऐसा तो कहीं हो सकता है कि कोई 309 साल सो जावे, जाओ हम नहीं मानते। ये कुरान की आयत में शक शिबा निकाला, उससे भी इंसान का ईमान बर्बाद हो जाता है। नंबर तीन, कुरान का ऐसा माना, ऐसा मीनिंग, ऐसा मतलब बयान करो जो कुरान की दूसरी आयत से टकराता हो, हदीस पाक के खिलाफ हो। ऐसा मीनिंग अगर कोई आदमी कुरान का बयान करे तो ये भी इंसान के ईमान को बर्बाद कर देते हैं।
जैसे कुरान के बिल्कुल शुरू के अंदर है, वबिल आखिरति हुम योकिनून, आखिरत के ऊपर यकीन ये ईमान की बहुत बड़ी निशानी है। अब एक गुमराह आदमी ने एक झूठे नबुवत के दावा करने वाले के मुत्तबे ने, मुफस्सिर ने यूं तर्जुमा किया, वो मुहर्रिफ लोग हैं, तारीफ करने वाले कहाँ कुरान की तफसीर करेंगे, उन्होंने ये माना किया वबिल आखिरती यानी बाद में आने वाली वही। अब आखिरत का तर्जुमा मरने के बाद की जिंदगी है, लेकिन कोई आदमी इतना गलत मतलब निकाले कि आखिरत का मतलब लेवे कुरान के बाद आने वाली वही। अब ये चीज इंसान को कुफ्र में ले जाने वाली है, इसलिए कि कुरान के बाद कयामत तक कोई वही आने वाली नहीं है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया और वही का उतरना बंद हो गया, अब कयामत तक दुनिया में नए अहकाम की कोई वही आने वाली नहीं है। तो जो आदमी कुरान मजीद की किसी आयत का ऐसा माना बयान करे जो दूसरी आयत से बिल्कुल हट के हो, सुन्नत और हदीस के खिलाफ हो, ये तहरीफ है और ये चीज भी इंसान के ईमान को बर्बाद कर देने वाली है। इसीलिए कुरान के बारे में बहुत डर डर के इंसान को रहना चाहिए। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कुछ लोग कुरान की आयत में झगड़ रहे हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया के पहले जमाने में यानी पिछली उम्मतों में जो लोग थे वो बर्बाद हो गए। क्यों बर्बाद हुए? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की किताब, चाहे तौरात हो, जबूर हो, आसमान से आया हुआ कोई सहीफा हो, इंजील हो, उसके एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर मारा, मुखालफत की, तरदीद की, उसमें तारुज टकराव तनाकुस साबित करने की फिक्र की, हालांकि अल्लाह की किताब का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को सच्चा बतलाता है। इसीलिए तुम अल्लाह की किताब के एक हिस्से को सच्चा मानो, दूसरे को झूठा मानो, एक हिस्से को मानो, दूसरे हिस्से को रद्द कर दो और न मानो, ऐसा मत करो। जो जानते हो बतलाओ और जो चीज़ नहीं जानते उसको किसी आलिम को सौंप दो। कितनी बड़ी बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। खास तौर पर जिन आयतों के अंदर तकदीर का बयान है, तकदीर की बातें बयान की गई है, ऐसी आयतों के अंदर इंसान को फजूल झगड़ा नहीं खड़ा करना चाहिए। कुरान के अंदर तकदीर की आयतों में याद रखो, तकदीर तो अल्लाह ताला के यहां से तय होती है, उसमें किसी इंसान का कुछ भी बस चलता नहीं है। तकदीर अल्लाह ताला के यहां से तय होती है, हर इंसान की, हर जानवर की, हर मखलूक का क्या भविष्य है, कैसी जिंदगी है, सब अल्लाह तय फरमाते हैं। तो जो लोग कुरान के अंदर नाहक झगड़े निकालते हैं, कुरान की आयतों का इनकार करते हैं, ऐसे लोगों का ईमान बर्बाद हो जाता है। अजीब बात हदीस के अंदर आयत में और हदीस में बयान की गई। इसीलिए तमाम ईमान वाले भाइयों को चाहिए, बहनों को चाहिए
कि कुरान में अल्लाह ने जो बात बतला दी हमारी समझ में आवे के ना आवे हम उसको मान लेवे, उस पर ईमान ले आवे। हमारी अकल छोटी है, समझ छोटी है, अल्लाह का इल्म बहुत बड़ा है। अल्लाह ने जो बात भी बयान फरमा दी हमें उसके ऊपर ईमान लाना है। कुरान में बहुत से किस्से हैं, असहाबे काब 309 साल तक सोए रहे, हजरत लूत अलैहिस सलाम की कौम को अल्लाह ने जमीन में उखाड़ करके 5-7 शहरों को आसमान तक ले गए, वहां से ऊंधा पटक करके फेंक मारा। एक आदमी को, एक नबी को 100 साल मौत देकर अल्लाह ने जिंदा किया दोबारा। अजीब अजीब बातें आई है, तो बाज इंसान ऐसी बातों का इनकार करते हैं, ये गलत है। अल्लाह ने कुरान में जितनी बातें भी बयान फरमा दी हमारी समझ में आवे के ना आवे उसको मान लो। इसी तरह शरीयत के बहुत से अहकाम है, बहुत से कानून है, बहुत से मसले मसाइल है जो कुरान में आए, सही हदीसों में आए, उसको भी मान लेना है, उसका इनकार नहीं करना है। देखो, एक इंसान सुस्ती, काहिली और गफलत में अमल न करे वो आसान चीज है, लेकिन इनकार करना और न मानना ये बड़ी खतरनाक चीज है। जैसे कि एक आदमी सुस्ती में, गफलत में नमाज नहीं पढ़ता, बहुत बड़ा गुनहगार है, बहुत गलत काम करता है, लेकिन कोई यूं कहे कि भाई मैं नमाज को मानता ही नहीं हूं, मैं नमाज को मानता ही नहीं हूं, बस ये आदमी ईमान में से निकल जाता है, बर्बाद हो जाता है ईमान। तो सुस्ती और गफलत के अंदर अमल न करना ये भी गुनाह है, लेकिन इनकार कर देना कि मैं मानता ही नहीं हूं कुरान की बात को, ये इंसान के ईमान को खत्म कर देने वाली चीज है। जो लोग कुरान का इनकार करते हैं, कुरान की बातों को मानते नहीं हैं, उन लोगों को बड़ी बर्बादी आने वाली है। ये लोग अभी दुनिया में घूम रहे, फिर रहे, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा आ रहे, एक शहर से दूसरे शहर जा आ रहे, खाते हैं, पीते हैं, मौज मजे कर रहे हैं, अल्लाह इनको ढील दे रहे हैं। एक दिन आएगा कि अल्लाह इन सबको अजाब के अंदर पकड़ के खत्म करेंगे। खास तौर पर अरब के अंदर मक्का के जो कुरैशी काफिर लोग थे, ये सफर करने में बड़े माहिर और बड़े एक्सपर्ट लोग थे। ठंडी की मौसम में यमन जाते थे, गर्मी की मौसम में शाम सीरिया जाते थे, बिजनेस करने के लिए जाते थे। पूरे अरब के अंदर लोग उनकी इज्जत करते थे, उनका इकराम करते थे, इसलिए कि ये काबा के खादिम समझे जाते थे, हरम के खादिम और मुतवल्ली समझे जाते थे, सब लोग उनका इकराम करते थे, इसीलिए कोई इनको छेड़ता नहीं था, लूटता नहीं था, मारता नहीं था, सलामती से सफर करते थे, बिजनेस करते थे, नफा कमाते थे, इसीलिए ये लोग मालदार थे, लोग उनकी इज्जत करते थे। अब जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई, इन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, हुजूर की मुखालफत की, उसके बावजूद भी अल्लाह इनको माल दे रहे हैं, दौलत दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो इनको गुरूर आ गया, फखर आ गया, तकब्बुर आ गया, कहने लगे अल्लाह की नजर में अगर हम मुजरिम और गुनहगार होते तो अल्लाह रोजी और दौलत हमसे ले लेते। बहुत से नए नए ईमान वालों को शक भी पैदा हो गया, हो सकता था। तो अल्लाह ताला ने इस आयत में जवाब दिया, ये दुनिया की जिंदगी चंद दिनों की है, अल्लाह दुनिया में मोहलत देते हैं, ढील देते हैं, कोई मुसलमान धोखे में न पड़े,
کہ ان کافروں کے اوپر عذاب نہیں آئے گا، ان پر اللہ کا عذاب آئے گا، ان کی مکہ کے قریشیوں کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے بدر کی جنگ سے ان کی حکومت کو ختم کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور پورے عرب کے اندر اسلامی حکومت قائم ہو گئی۔ تو اگر دنیا میں اللہ کسی کو فوراً عذاب نہ دیوے، فوراً سزا نہ دیوے، تو اس کی وجہ سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دے دی، نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل کبھی بھی ان کو عذاب میں پکڑ سکتے ہیں، خدا کی قدرت ہے۔ آج بہت سے مسلمانوں کو یہ شک ہو جاتا ہے کہ ارے بھائی، یہ نافرمان لوگ جو ایمان نہیں لاتے، اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، قرآن کو مانتے نہیں ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، پھر بھی وہ بڑے مزے میں ہیں، بڑی راحت کے اندر ہیں۔ مسلمانوں کو شک ہوتا ہے، تو یاد رکھو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی ہے، اللہ نے ان کو ڈیل دی ہے، ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ ان کی ضرور پکڑ کریں گے۔ تو قرآن کی ہر ہر بات کو صحیح مانو، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں فرمائی اس کو صحیح صحیح مانو، کسی بات کے بارے میں شک مت کرو، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ قرآن میں شک کرو گے ایمان برباد ہو جائے گا، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔